लेट्स डू क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज फाइव पॉइंट फाइव दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स क्वेश्चन नंबर थर्ड इज देयर आर टू सेट स्क्वायेर्स इन योर बॉक्स ये दो सेट स्क्वायर्स होते हैं हमारे पेंसिल बॉक्स में वॉट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट द कॉर्नर्स कौन से एंगल्स बनेंगे इनके कॉर्नर्स पे ये बताना है डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन क्या इन दोनों सेट स्क्वायर्स में कोई सा ऐसा एंगल है जो कॉमन है वो देखना है तो चलिए उसके लिए अपना प्रोटेक्टर ले लेते हैं और प्रोटेक्टर से देखते हैं कि कौन सा एंगल बनेगा देखिए ये एरो हमने इसके कॉर्नर पे रखा राइट right? और देखिए ज़ीरो डिग्री इस साइड है ये वाइट लाइन इसकी इमेज की आ रही है इससे कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ एरो पे रखा और ज़ीरो डिग्री यहाँ है तो ये देखिए एग्जैक्टली exactly ये नाइन्टी डिग्री पे आ रहा है तो हमें ये पता चल गया ये एंगल नाइन्टी डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये आ गया हमारा 90 डिग्री का एंगल तीनों एंगल्स मेज़र करने हैं दोनों सेट स्क्वायर्स के तो अब देखिए अब दूसरा एंगल मेज़र करते हैं अब देखिए अब इस साइड देखना है क्योंकि इस साइड लाइन आ रही है जीरो डिग्री ऊपर वाला है तो ऊपर वाले में देखिए कहाँ आ रही है ये लाइन सिक्सटी डिग्री पे तो ये एंगल इसका मतलब हमारा कितने डिग्री का है सिक्सटी डिग्री का तो ये हमें पता चल गया ये सिक्सटी डिग्री का है अब थर्ड एंगल देख लेते हैं तो देखिए अब ये लाइन इस साइड है तो इस साइड देखेंगे जीरो डिग्री का है नीचे वाली लाइन में तो देखिए ये कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली थर्टी डिग्री पे तो इसका मतलब ये एंगल हमारा थर्टी डिग्री है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अगर आप देखेंगे इन तीनों एंगल्स कसम वन एट्टी डिग्री है तो देखिए थर्टी प्लस सिक्सटीज़ नाइन्टी नाइन्टी प्लस नाइन्टीज़ वन एटी तो इस सेट स्क्वायर का हो गया अब इस वाले सेट स्क्वायर का देखते हैं कितने कितने डिग्री के एंगल्स बने हुए हैं अब देखिए इसमें यहाँ पे ये कॉर्नर पे रखा है रो और जीरो डिग्री साइड है तो इस साइड देखेंगे ऊपर वाली लाइन में तो ये देखिए फोर्टी और फिफ्टी के एग्जैक्टली बीच में तो दैट मीन्स ये फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल हो गया तो हमने यहाँ लिख दिया ये है हमारा फोर्टी फाइव डिग्री का एंगल अब नेक्स्ट देखते हैं अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे रखा ज़ीरो डिग्री इधर है अब आप देखेंगे ज़ीरो डिग्री नीचे वाली लाइन में है तो नीचे वाली लाइन में ये एग्जैक्टली फोर्टी फाइव डिग्री आ रहा है हमारा एंगल तो ये आ गया हमारा फोर्टी फाइव डिग्री अब नेक्स्ट एंगल देख लेते हैं अब देखिए अब यहाँ कॉर्नर पे रखा जीरो डिग्री इधर की साइड है तो इधर की साइड नीचे वाली लाइन में देखेंगे तो ये देखिए एग्जैक्टली नाइन्टी डिग्री आ रहा है तो हमें पता चल गया कि ये कितना है नाइन्टी डिग्री है राइट right? अब क्या कह रहा था वो क्वेश्चन में वो कह रहा था व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स वो हमने मेजर कर लिए कि कॉर्नर्स पे कितने कितने डिग्री का एंगल बनता है डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन क्या इसमें कोई कॉमन एंगल है तो अगर आप देखेंगे इस सेट स्क्वायर में ये वाला 90 डिग्री है और इस सेट स्क्वायर में ये वाला 90 डिग्री तो यस हम लिख सकते हैं यस देयर इज One angle common in both the set squares, both set squares that is ninety degree. Answer. लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 4th ना हो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज स्टडी द डायग्राम द लाइन एल इज पर्पेंडिकुलर टू लाइन एम ये डायग्राम अगर स्टडी करें तो लाइन एल जो है परपेंडिकुलर है लाइन एम पर राइट right? ये लाइन एम है और ये लाइन एल है अब क्या कह रहा है इज सी ईज इक्वल टू ई जी सी ई जी के इक्वल है या नहीं है ये बताना है तो अगर आप देखें ए पॉइंट में अगर सी ई -E देखेंगे तो सी ई -E कितनी है वन एंड टू यूनिट्स है तो हमने कहा सी ई -E हमारी टू यूनिट्स है अब इसी तरीके से हम ई e जी देखेंगे कितनी है तो ई जी देखिए वन यूनिट एंड टू यूनिट है तो वो भी कितना है हमारा टू यूनिट्स है तो दोनों इक्वल आ रही हैं सी ई -E बी और ई e जी भी दोनों टू यूनिट्स आ रही हैं तो हम क्या कह सकते हैं सी इज इक्वल्स टू ई जी राइट लेस डू बी पार्ट ना हो बी पार्ट इज डी ई बाइसेकट सी जी क्या पी ई -E, जो पी ई -E कौन सी है ये पी पॉइंट एम पे लाइक कर रहा है तो पी ई -E जो लाइन है क्या वो बाइसेकट कर रही है सी जी को ये बताना है तो बाइसेकट क्या होता है बाइसेकट होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो देखिए सी जी तक कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री पार्ट है फोर यूनिट्स है सी जी तक की और पीई -E क्या कर रही है उसको टू टू यूनिट्स में डिवाइड कर रही है क्योंकि अभी अभी हमने देखा था सीई -E कितना है ई e जी के इक्वल है फर्स्ट पार्ट में ही देखा है तो हम कह सकते हैं एज सी इज इक्वल्स टू ई जी सो वी कैन से दैट पीई हम कह सकते हैं कि पी ई कर रही है सी जी को आंसर लेट्स डू सी पार्ट ना हो सी पार्ट कह रहा है आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स दो लाइन सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करिए फॉर विच पी ई इज़ द पर्पेंडिकुलर बायसेक्टर जिनके लिए पी ई जो है वो पर्पेंडिकुलर बाइसेकटर हो ऐसी कोई सी भी दो लाइन सेगमेंट फाइंड आउट करिए तो कोई सी भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं आप चाहे तो देखिए डीएफ ले सकते हैं चाहे तो सी ले सकते हैं चाहे तो बी ले सकते हैं ये सारी क्या है लाइन सेगमेंट हैं जो परपेंडिकुलर बाइसेकटर हैं पर पेंडिकुलर का मतलब है परपेंडिकुलर होना मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना और बाइसेकटर मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना तो हमारे कौन कौन से परपेंडिकुलर बाइसेकटर्स हुए डी एफ लाइन सेगमेंट देखिए D से लेके F तक और दो पॉइंट्स हैं दो को एक एक में डिवाइड किया हुआ है इसी तरीके से लाइन सेगमेंट CG देखें तो CG तक के दो पॉइंट्स इधर हैं दो पॉइंट्स इधर हैं राइट तो CG लाइन सेगमेंट हो गई नेक्स्ट कौन सी हो गई हमारी BH हो गई क्यों क्योंकि B से E तक के तीन तीन यूनिट्स हैं और ई e से एच तक के भी तीन यूनिट्स हैं राइट तो हमारी थर्ड लाइन सेगमेंट हो गई ई एच आंसर लेट्स डू डी पार्ट नाउ आर दी ट्रू क्या ये बताना है कि ये सारे ट्रू हैं या नहीं है फर्स्ट पार्ट में देखिए ए सी ग्रेटर है एफ जी से तो ए सी अगर देखें तो ए से सी तक टू यूनिट्स हैं वन एंड टू यूनिट्स हैं और एफ जी तक हमारी एक यूनिट है तो ऑब्वियसली टू यूनिट क्या है ज्यादा है एक यूनिट से तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए डी के फर्स्ट पार्ट में ए सी हमने देखा टू यूनिट्स है और एफ जी हमारी वन यूनिट है तो साफ साफ पता चल रहा है कि ए सी हमारी ग्रेटर है एफ जी से तो हमने यहाँ लिख दिया ट्रू अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कह रहे सी डी जी एच के इक्वल है सी डी कितना हुआ वन यूनिट और जी एच कितना हुआ वन यूनिट राइट तो सेकेंड पार्ट में हमने लिखा सी डी कितना आया वन यूनिट और जी एच भी हमारा आया वन यूनिट दोनों वन यूनिट वन वन यूनिट आए तो इसलिए कह सकते हैं सी डी जी एच के इक्वल है राइट right? तो हैंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू अब लास्ट पार्ट देखते हैं बी सी इज लेस देन ई एच बी सी जो है ई EH एच से लेस है तो बी सी कितना है वन यूनिट और ई EH एच कितना है वन टू थ्री थ्री यूनिट्स राइट तो हमने थर्ड पार्ट में लिख लिया हमारा बी सी है वन यूनिट और ई EH एच है हमारा थ्री यूनिट तो हम कह सकते हैं कि बी सी हमारा लेस है किससे E it's answer.